घर से दो लड़के व दो लड़कियों को संदिग्ध हालत में हिरासत में लेकर सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। प्रयाग में कई दिनों से चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए नैनी पुलिस ने मौके से दो लड़कों और दो लड़कियों को आपत्तिजनक स्थिति में गिरफ्तार किया है। इस पूरे रैकेट को एक एजेंट के माध्यम से संचालित किया जा रहा था। पुलिस की छापेमारी के दौरान गिरफ्तार लड़कियां जहां बिहार की बताई जा रही हैं, वहीं लड़के झारखंड के रहने वाले हैं। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि पकड़े गए रैकेट में देश भर से ऑन डिमांड लड़कियों की सप्लाई की जाती थी। वहीं घटनास्थल से पुलिस ने कई नशीली वस्तुएं व हुक्का आदि बरामद किया है। पुलिस गिरफ्तार किए गए लड़के लड़कियों से पूछताछ कर अन्य आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इसमें मुखबिर द्वारा सूचना आ रही थी दो तीन दिन से कि मानस नगर कॉलोनी नैनी थाने क्षेत्र कि सेक्स रैकेट का संचालन किसी द्वारा किया जा रहा है, जिसमें अन्य प्रदेश से लड़कियां आती हैं और ये सब सेक्स रैकेट में लिप्त हैं। इस सूचना में मेरे द्वारा जो प्राइवेट में टीम लगाई गई थी और जिसमें महिला कॉन्स्टेबल और सब इंस्पेक्टर नैनी थाने से और गोपनीय तरीके से इसमें सारे होमवर्क करने के बाद से कल मेरे नेतृत्व में जो थाना अध्यक्ष नैनी और SI वहाँ के चौकी इंचार्ज एग्रीकल्चर और महिला कांस्टेबल के साथ कल पूरी सूचना संकलित करने के बाद से हम लोगों द्वारा जो है घेराबंदी करके छापा मारा गया। तो मानस नगर कॉलोनी में जो है एक मकान में जो है उस सेक्स रैकेट संचालन करने में और उसमें लिप्त जो है दो लड़कियाँ पकड़ी गई और मौके से जो है मकान मालिक लड़का और एक और एक्यूट है जो मेन सलमान जो संचालित करता था, मतलब कुल चार लोगों की गिरफ्तारी हुई और एक जो है फैजल जो है वहाँ से मौके से जो है फरार हो गया, जिसके संबंध में जो है अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, चार लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी। सरगना फरार हो गया, सरगना पकड़ा गया था, सरगना दो लोग थे जिसमें एक सलमान पकड़ा गया, दूसरा जो उसी का मित्र है, दोनों मिल के करते थे, तो दूसरा वाला भागा हुआ है, उसके खिलाफ भी हम लोग जो है। प्रयागराज जिले से सुनील यादव की रिपोर्ट।